नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभा समाचार प्रीतिश कुला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास भदोही में आवास के लिए दर दर की ठोकर खा रही महिला, पति के 18 वर्ष मृत्यु के बाद भी पेंशन नसीब नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार, मनीष पांडे के साथ। बता दें, सरकार भले ही सबका साथ सबका विकास का नारा पूरे देश में बुलंद कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी न जाने कितने गरीब मजदूर लोग हैं जिनकी सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है और लोग दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। एक ऐसा ही मामला भदोही जिले के केदारपुर गांव में देखने को मिला, जहां एक विधवा विधवा आवास एवं विधवा पेंशन के लिए भटक रही है, लेकिन जिम्मेदार लोग मौन साधे हुए हैं और विधवा की गुहार नहीं सुनी जा रही है। भदोही से संवाददाता संतोष तिवारी की खास रिपोर्ट। कि 18 साल मार पति मरे हो गया, हमके एक थे आवास नहीं। सब प्रधान से कहा था आवास बराबर मिलत नहीं हमको। हम यही नापा चार थे पाप लेके ही में कल था मराई को लिया। हमके आज तक नरेगा खटा वो नहीं पावत है। हम विधवा पिलसी मारा नहीं मिला पाता है। हम ऐसे कल था कहीं आवाज है भीख मांग 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 धारा जाता है, लेकिन मैं मिलत नहीं। पैसा बदे कहा था कि 2000 पहले तब तहार आवास भराए। हमारे पास एक रुपया नहीं, हम भीख मांग के रड़ापा कहाँ से दे। ये हमसे प्रधान बोलत रहन है और जब गई है कहे है कि हमहू साइन दे, सब देता है तो कहा हमारे पास लात बा हाथ बा, हम तहार साइन दे ले। हम लात हाथ दे बदे कहाँ जाए। हम लाते हाथे समय देता है ना कि साइन देता है। राशन कार्ड में हमारे भाई है, 4-5 लड़का हमारे रहन है, उन्हें पतोहन का अलग बात है। लेकिन हम लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।